Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abhimanyu IAS. A very warm welcome all of you in this session. और स्टूडेंट आज हम यहाँ पे करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारी जर्नल साइंस है उसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQ राइट. ऑलरेडी क्लास के अंदर हमारे यू नो जर्नल साइंस है वो ओवर हो चुकी है राइट. तो अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस करते हैं स्टूडेंट्स. जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस नहीं भी लगाई वो भी इन सेशंस को अटेम्प्ट आराम से यू नो देख सकते हैं. ठीक है, इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर देम. वाई? बिकॉज जितना ज़्यादा आप MCQs की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा प्रीलिम्स के अंदर आपको क्लैरिटी आती जाएगी राइट. यू नो दैट कि टेस्ट सीरीज़ और MCQs जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा यू नो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आपको हेल्प करते हैं राइट. ओके, तो स्टूडेंट आज हम यहाँ पे जर्नल साइंस बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे फॉर अवर हरियाणा सिविल सर्विसेज़ राइट. जो हमारा 11 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम हो रहा है प्रीलिम्स का. ओके, सो इसी को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स हमने हरियाणा GK के लिए स्पेशली हरियाणा जर्नल नॉलेज के लिए स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किया स्टूडेंट्स. यहाँ पे यू नो दैट कि हरियाणा GK में से 10 to 15 क्वेश्चन पक्का आते हैं, आराम से आते हैं. ठीक है, ये ओनली एंड ओनली 400 रुपीज़ में आपको अवेलेबल होगी स्टूडेंट्स. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो आप हरियाणा GK के MCQs इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, ठीक है जी. सो नेक्स्ट बात करते हैं हम HCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ की. स्टूडेंट अगर आपको फुल टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो स्टूडेंट इसमें 26 टेस्ट होंगे आपके. ठीक है जी, 26 टेस्ट होंगे स्टूडेंट और जो इसका प्राइस है दैट इज़ ओनली 6500 रुपीज़. कंप्लीट जर्नल स्टडी और कंप्लीट CSET के आपको टेस्ट मिलेंगे यहाँ पे 4-4. ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट और बाकी जितने भी आपके टेस्ट रहेंगे वो रहेंगे सेक्शनल वाइज, मतलब कि टॉपिक वाइज आपके कवर होंगे राइट. आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट्स. तो आप उस लिंक पे जाकर इस टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारे MCQs को. ठीक है, सी हियर स्टूडेंट, MCQ का पर्पज़ ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ आंसर बताती जाऊँ यहाँ पे और आप देखते जाओ वीडियो. नहीं, इसके साथ साथ स्टूडेंट हम टॉपिक्स को भी कवर करेंगे. इट मीन्स कि उस MCQ से रिलेटेड जो टॉपिक है, जो थ्योरी है, जो कंटेंट है, उसको भी हम थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे साथ के साथ राइट. आज का जो टॉपिक है वो ज़्यादातर जो MCQs हैं वो हमारे एक दो सेशन से ज़्यादा हैं. जैसे कि हमारा सेशन है जैसे कि वाइटामिन्स राइट. वाइटामिन से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको पेपर में एक दो क्वेश्चंस आराम से दिख जाएंगे. सो दिस प्रैक्टिस सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे वाइटामिन से रिलेटेड MCQ यहाँ पे मैंने आपके लिए यू नो चूज़ किए हैं. सो दैट आपका विटामिन्स वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे चैप्टर भी कवर हो जाए और MCQ भी लगा पाओ आप. ठीक है, देखने में आपको MCQ बहुत आसान लगेंगे, वन लाइन है राइट. बट नहीं, यू नो जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो या फिर आपने लर्न ना कर रखे हो राइट, तब तक आपको विटामिंस के, चाहे मैं कहती हूँ सिंपल ही क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आपको मे बी आप उसको अटेम्प्ट ना कर पाओ. बिकॉज विटामिन का जो चैप्टर है वो समझने वाला भी है और आपका थोड़ा सा लर्न करने वाला भी है राइट. बिकॉज कौन सा विटामिन कहाँ पे काम आता है, किस विटामिन की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. ओके, ठीक है जी, तो मूव करते हैं स्टूडेंट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. तो फटाफट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट. क्वेश्चन स्क्रीन आपके सामने है. हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट्स. सी हेयर स्टूडेंट, क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो पे पॉज लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, जो भी इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिए राइट. और जब मैं इसको आपको पढ़ाऊँ तो फिर आप समझिए कि हाँ जी मैम ने किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया राइट. ओके, अच्छा क्वेश्चन है, कहता है पोमोग्रेनेट एंड पैशन फ्रूट्स आर रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स. मिनरल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है, कहता है कौन सा रिच है इसमें मिनरल. पहला कहता है मैंगनीज, सेकंड है फॉस्फोरस, थर्ड वन इज़ कैल्शियम एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ नन ऑफ द अबव. तो बताइए पोमोग्रेनेट, यू नो दैट कि हमारा जो अनार, जो हम अनार खाते हैं है ना, ओके, तो वो किस यू नो मिनरल से रिच होता है राइट, ये पूछा है आपसे. तो बताइए कौन से मिनरल से रिच होता है. हाँ जी, अटेम्प्ट किया आपने, ठीक है जी, तो दैट इज़ रिच ऑफ फॉस्फोरस.
ठीक है, फॉस्फोरस मिनरल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी बोन्स में बहुत हेल्प करता है। जैसे कैल्शियम हमारी बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही फॉस्फोरस मिनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारी बॉडी में। ठीक है, ओके। तो सेकेंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट। कहता है द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी एंड बॉडी वेट, ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी एंड बॉडी वेट दोनों चीज़ों को कंट्रोल करता है कौन सा मिनरल। मिनरल्स पे पहले हम क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट, फिर हम विटामिंस पे आएंगे। ठीक है, ओके ओके। तो अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन स्टूडेंट। कहता कौन सा ऐसा मिनरल है जो हमारी बॉडी का वेट और ग्रोथ दोनों कंट्रोल करता है, कौन करता है भी बताना मेरे को। अच्छा, ऑप्शन है, कहता आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, नेम नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा आयोडीन। आयोडीन युक्त नमक है ना, टाटा सॉल्ट नमक हम सब देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो आयोडीन है स्टूडेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीयर स्टूडेंट, आयोडीन एज सच हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी, बहुत ही आपको थोड़े अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में आपको आयोडीन की नीड पड़ती है स्टूडेंट, बट इट प्ले वेरी क्रिटिकल रोल इन अवर बॉडी। ठीक है, ओके। आयोडीन की कमी की होने की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। वैसे मैं ही बता देती हूँ, गॉइटर रोग जो डिजीज़ होती है हमारे गले में ना, आपने देखा हो कईयों का गला ऐसे फूला रहता है, यहाँ तक आया रहता है। ठीक है, सो उस डिजीज़ को प्रिवेंट करता है आयोडीन। ओके जी, ठीक है जी। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट। कहता है आउट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग विटामिंस विच वन इज द फैट सोलेबल विटामिन। ठीक है, सी ईयर स्टूडेंट, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप एक चीज़ समझिए, जो हमारे विटामिंस हैं उनको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे फैट सॉल्युबल और दूसरे है हमारे वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन का क्या मतलब है यहाँ पे? फैट सॉल्युबल विटामिन का मतलब है स्टूडेंट ऐसे विटामिंस जो फैट के अंदर डिजॉल्व रहते हैं। ठीक है, मतलब कि उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, वो विटामिंस जो हमारी बॉडी के अंदर तभी एब्जॉर्ब हो सकते हैं जब फैट प्रेजेंट होगा। तो इसमें मेन चार इंपॉर्टेंट हमारे विटामिंस हैं स्टूडेंट, विटामिन के, ई, डी एंड ए। इवन इसको याद करने का मैंने एक बहुत सिंपल सा फंडा बता रखा है स्टूडेंट को, दैट इज कीड़ा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, कीड़ा। तो ये चार विटामिंस हैं स्टूडेंट जो हमारी बॉडी के अंदर फैट सॉल्युबल हैं। फर्स्ट वन इज के, ई, डी, ए। ओके जी, वाटर सॉल्युबल जो विटामिंस हैं, बाकी जितने भी हमारे विटामिंस बचे वो सब वाटर सॉल्युबल हैं। विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, राइट, उसके जितने भी टाइप हैं वो सब वाटर सॉल्युबल हैं। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे? इज दैट क्लियर, येस और नो? ठीक है, तो अब तो आई थिंक सो कि आपको ऑप्शन पता लग ही गया होगा, है ना, मुझे आंसर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा 4। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट। हाँ जी, अटेम्प्ट कीजिए बच्चा। हाँ जी, अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट। हाँ जी, डन है क्वेश्चन। कहता व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इसेंशियल विटामिंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। तो टोटल नंबर ऑफ विटामिंस कितने हैं स्टूडेंट जो हमें इसेंशियल हैं? तो इसका आंसर है मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए। देर आर टोटल 13 इसेंशियल विटामिंस इन अवर बॉडी स्टूडेंट। 13 विटामिंस हैं जो हमारी डाइट के अंदर इंपॉर्टेंट होने ही चाहिए। सी ईयर स्टूडेंट, हमारी बॉडी जो है विटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ये हमारे डाइट में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा चाहिए, राइट, थोड़े अमाउंट में चाहिए, बट इट इज़ इसेंशियल फॉर अवर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर विटामिन्स नहीं होंगे तो बहुत सारी हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वो हमारी सेल्स तक पहुँच ही नहीं पाएगा, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि वो अच्छे से वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए था, मतलब कि एफिशिएंसी कम हो जाएगी, राइट, ओके। सो देखिए, 13 इसेंशियल विटामिन जो हमारे डाइट में होने चाहिए स्टूडेंट,
दीज डिफरेंट हेल्प द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. फॉर एग्जाम्पल वाइटामिन ए सी डी ई के एंड वाइटामिन बी. ठीक है, वाइटामिन बी जो है वो फर्दर डिवाइड है स्टूडेंट हमारा आगे कई सारे वाइटामिन्स में, जैसे कि वाइटामिन बी वन, ठीक है, बी टू, बी थ्री, बी फोर, बी फाइव, ठीक है, इस तरीके से पूरा बी ट्वेल्व तक हमारे वाइटामिन्स हैं. ठीक है, बी इलेवन नहीं है स्टूडेंट. ठीक है, ओके. तो थायामिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड, बी सिक्स, बायोटीन, फॉलेट, मतलब कि बी नाइन, बी टेन वाइटामिन कुछ नहीं है. ठीक है, बी ट्वेल्व आर द 13 इसेंशियल वाइटामिन्स. ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे स्टूडेंट हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा. ठीक है, ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है स्टूडेंट्स, पढ़िए. क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज अ वाटर सॉल्युबल. अब वाटर सॉल्युबल पूछा है स्टूडेंट, तो वाटर सॉल्युबल में कौन सा है, के वाइटामिन है, मैंने आपको बताया नहीं है, डी है नहीं है, ए नहीं है, तो कौन सा बचा, वाइटामिन सी, वाइटामिन सी स्टूडेंट. ठीक है जी, ओके ओके. तो 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट. ठीक है, और जो वाइटामिन सी है ना, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्टूडेंट. वाइटामिन सी जो है वो ज़्यादातर हमें हमारे सिट्रिक फूड से मिलते हैं, सिट्रिक फूड्स. ठीक है, जितने भी हमारे खट्टे फूड होते हैं ना, लाइक हमारा हमारे जितने भी फ्रूट्स होते हैं इस टाइम पे, देखिए आप ऑरेंज, लेमन, राइट, ये जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब के सब पाइन एप्पल, दे आर रिच सोर्स ऑफ किसके, वाइटामिन सी के. ठीक है, इसीलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट वाइटामिन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है जी, ओके. फिर कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन विच वन कैन नॉट प्रोड्यूस, ऐसा कौन सा वाइटामिन है जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ऐसा कौन सा वाइटामिन है, तो कौन सा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, अरे कोई भी नहीं कर सकती हमारी बॉडी. सिर्फ एक वाइटामिन है स्टूडेंट जो हमारे गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज वाइटामिन के. वाइटामिन के जो होता है ना स्टूडेंट, वो हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं किसको, वाइटामिन के को. अदरवाइज हमारा बॉडी जो है वो कोई भी वाइटामिन्स को खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, चाहे फिर वो कोई भी है, चाहे बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स हैं, राइट, चाहे फिर वो हमारे फैट सॉल्युबल हैं, कोई भी है, नथिंग. ठीक है जी, ओके, ठीक है जी. तो पढ़िए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए. हाँ जी, कहता था द वॉल्यूम ऑफ ब्लड ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर कितना ब्लड होता है स्टूडेंट, कितना होता है, 14 से 16, राइट, इतना यूनिट हमारी बॉडी में ब्लड होता है स्टूडेंट. उसको और अवर ब्लड प्रेशर को कौन रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी के अंदर वॉल्यूम ऑफ ब्लड और हमारा ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना जब एग्जाम क्लियर नहीं होता, तो मम्मी पापा का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. 6 मंथ हो गए थे लगे हुए, 75 डेज हो गए थे, राइट, हमारी तो कोई बात सुनी नहीं. ठीक है, तो उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना है स्टूडेंट. ठीक है, तो बताइए आप मेरे को कि कौन रेगुलेट करता है इसमें से, ऐसा कौन सा मिनरल है स्टूडेंट जो इन दोनों चीज़ों को रेगुलेट करता है, तो बताओ, आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस, सोडियम, तो बताओ कौन सा है स्टूडेंट जो रेगुलेट करता है इनमें से, हमारे ब्लड प्रेशर को भी और हमारी वॉल्यूम ऑफ ब्लड को, दोनों को रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर. हाँ जी बताइए, दैट इज सोडियम. ओके, तो 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कहता है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज द मैक्रो मिनरल. दो तरीके के मिनरल्स होते हैं स्टूडेंट. मैक्रो वर्ड का मतलब, जहाँ पे भी मैक्रो वर्ड आता है ना, इसका मतलब होता है कि थोड़ा ज़्यादा, राइट. एक वर्ड होता है माइक्रो, इसका मतलब ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम, मतलब कि क्वांटिटी बहुत ही कम. ठीक है, ठीक है, मैक्रो का मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा. ठीक है, तो लार्ज क्वांटिटी में हम बोल सकते हैं. तो स्टूडेंट कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जो हमें बहुत कम चाहिए होंगे,
और कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे स्टूडेंट जो हमारी बॉडी को थोड़ा लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसने पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो मैक्रो मिनरल है। पहला कहता है क्लोराइड, दूसरा कहता है सोडियम, कैल्शियम, ऑल द अबव, ठीक है। तो इसको करने के लिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया आपके लिए, इसको आप पढ़ लेना स्टूडेंट, ठीक है, और आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा मैक्रो और कौन सा मिनरल माइक्रो। तो देखिए द एसेंशियल विटामिंस, सॉरी विटामिंस नहीं मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहले जो मेजर मिनरल्स हैं उनको हम मैक्रो कहते हैं, और जो हमें थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होती है, मतलब ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है, उसको हम माइक्रो कहते हैं। तो माइक्रो में कौन कौन से हैं उसको आप देख लीजिए, जिंक, कॉपर, आयरन, सेलेनियम, मैग्नीज, आयोडीन एंड कोबाल्ट। ये हमें बहुत ही ट्रेस अमाउंट में मिनरल्स चाहिए होते हैं स्टूडेंट, मतलब कि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, बट हाँ इनका होना एसेंशियल है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में। मतलब आप ऐसा नहीं है कि भर भर के आप मैग्नीज खाना शुरू कर दो या भर भर के आप कॉपर लेना शुरू कर दो बॉडी के अंदर, नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि आपको एसेंशियल है, आपकी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए इन मिनरल्स की ज़रूरत है, बट आप मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। आप थोड़े अमाउंट में भी अगर इनको ले रहे हो तो भी आपकी बॉडी, अगर आपकी डाइट में थोड़ा आयरन है, थोड़ा सेलेनियम है, थोड़ा मैग्नीज है, आयोडीन है, कोबाल्ट है, देन इट इज़ ओके, ठीक है, ओके। मैक्रो मिनरल्स वही बात है ना, जैसे हमारी बॉडी को प्रोटीन, कार्ब है ना, ये ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है, फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी चाहिए उसको रेगुलेट करने के लिए। अच्छा, मैक्रो में जैसे कि हमारा सोडियम, ठीक है, तो आई थिंक सो क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो ही गया होगा वहीं पे, ठीक है, सोडियम, ठीक है, ओके। तो देखते हैं, सोडियम, क्रोमियम, फॉस्फोरस, क्लोराइड, मॉलिब्डेनम, सल्फर, फ्लोराइड, कैल्शियम, पोटासियम एंड क्लोराइड, ये सब हमारा क्या चाहिए चीज़ है, मैक्रो मिनरल्स हैं। इट मीन सारे ऑप्शन सही है हमारे पास, सो ऑल द अबव ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है जी। मेनली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कराने का मेन पर्पस था कि मैं आपको ये चार्ट समझाऊं, ठीक है जी। तो ये जो है स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर मैक्रो मिनरल्स हैं, और ये जो हैं दीज आर ट्रेस, मतलब कि माइक्रो मिनरल्स हैं। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, कहता है व्हेन देयर इज एन एक्सेसिव कैल्शियम इनटेक, ठीक है, कई होते हैं ना, ठीक है, खास करके हमारे जिम वाले लड़के, ठीक है, राइट, एक दिन जिम मारते हैं तो उनको लगता है सारे मसल्स टूट चुके हैं, ठीक है, सबकी रिक्वायरमेंट के लिए हमें पता नहीं क्या क्या चाहिए, ठीक है। आप देखिए उनको मल्टी वाइटमिन, पता नहीं क्या क्या, प्रोटीन इतना सारा, ओ माई गॉड, राइट, और मतलब बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या, मतलब मुझे तो इतना पता भी नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यू नो जिम के नाम पे इतने सारे एक्सेस अमाउंट में सप्लीमेंट्स लेना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग स्टूडेंट, राइट, बिकॉज यंग एज के टाइम पे आपको बहुत कम रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है ना तो आपको सप्लीमेंट्स की इतनी ज़्यादा नीड है नहीं। अगर आप फ्रूट्स बहुत अच्छा खा रहे हो, राइट, अगर आप वेजिटेबल्स अच्छे से खा रहे हो, फ्रेश वेजिटेबल्स की सब्जियाँ खाते हो, आप अच्छा घर का बना हुआ खाना खा रहे हो, ठीक है, तो आपको इतने अमाउंट में या मैं कहूँ कि आपको सप्लीमेंट्स लेने की नीड नहीं है, अनलेस कि आप कोई आपके अंदर एक लॉन्ग टर्म कोई क्रोनिक डिजीज़ है आपको, राइट, या डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, तब, राइट, अदरवाइज बिना टेस्ट के या डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बिना तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए ये सब चीज़ें, राइट। अगर आप जिम कर भी रहे हो तो भी स्टूडेंट्स आप जो है अपना टेस्ट करवा के, राइट, आपको किस किस चीज़ की नीड है, या आप थोड़ा डॉक्टर की यू नो कंसल्टेशन, उसे कंसल्ट करके उसके बाद ही आप कोई भी चीज़ को रिकमेंड करो अपनी बॉडी के लिए, राइट, बिकॉज हेल्थ है तो हर चीज़ है, हेल्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट, ओके। तो अगर आप बहुत ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दो अपनी डाइट के अंदर, मतलब आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट, इससे रिजल्ट क्या होगा, आपको क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, तो क्या हो सकता है। तो मेनली स्टूडेंट किडनी स्टोन की प्रॉब्लम देखी गई है कि अगर आप कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा कर देते हो, मतलब एक्सेस अमाउंट में आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो किडनी स्टोन भी हो सकता है आपको। 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, मिल्क, फ्रेश वाटर, एग, ब्रोकली एंड अनियन आर गुड सोर्सेज ऑफ व्हाट, ठीक है। तो देखिए ये तीनों ही क्या है हमारे मिनरल्स हैं स्टूडेंट,
तो इन मिनरल्स की यू नो डेफिशिएंसी कंप्लीट हो सकती है ये सब खा के। तो ऑल द अबव इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है फॉस्फोरस सोडियम आयोडीन। आपको पता आयोडाइज नमक आपका सोडियम रिच सोर्स है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं उन सब से भी आपको क्या मिलेगा सोडियम फॉस्फोरस सब कुछ मिलेगा स्टूडेंट। सो ऑल द अबव ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। एक्चुअल में मेरा पर्पज़ है स्टूडेंट आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाना पर्पज़ है, बट जो आप पढ़ रहे हो बस मुझे आपको उसी एमसीक्यू की फॉर्म में मुझे उसको मैंने उसको सेट कर दिया है, ठीक है, और मैं आपसे वो करवा रही हूँ, ठीक है। ऐसा मतलब ये कोई एमसीक्यू मैंने कहीं से उठाए नहीं है, एक्चुअल में जो पढ़ा रही थी बस वही उसी को मैंने कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो सो दैट आप एमसीक्यू की फॉर्म में एक बेटर तरीके से समझ पाओ, राइट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कहता है विच वाइटामिन्स हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग आपको पता है फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पे भी चोट लग जाती है ना, थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कि आपका ब्लड क्लोट हो गया वहाँ पे, मतलब कि एक थक्का सा जम गया ब्लड का वहाँ पे रेड रेड कलर का, वो क्या चीज़ होती है, वो होता है हमारा ब्लड क्लोट। और ब्लड क्लोट में मेनली जो रोल प्ले करते हैं दैट इज़ अवर प्लेटलेट्स स्टूडेंट, ठीक है, वो आपका मेन यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, राइट। अच्छा थ्रोम्बिन बनता है स्टूडेंट, ठीक है, इसको हम कभी और समझेंगे स्टूडेंट, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन है ना, वो चीज़ हम कभी फिर समझेंगे किसी और लेक्चर में, बट यहाँ पे बात वाइटामिन्स की चल रही है। तो कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, दैट इज़ अवर वाइटामिन के। प्लीज़ रिमेंबर स्टूडेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पुट अ स्टार हेयर। वाइटामिन के जो है ना स्टूडेंट वो हमें ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अगर आपके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड क्लोट होने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब कि आपका ब्लड बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, ठीक है जी, ओके ओके। तो 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कहता हाउ मेनी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर देयर, दैट इज़ 9, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट देयर आर 9 विटामिन हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, दैट इज़ विटामिन बी ग्रुप जो है हमारे थायमिन B1 B2 B3 सॉरी B9 राइबोफ्लेविन बायोटीन पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B12 राइट विटामिन B6 विटामिन सी दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट पढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, कहता है द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज बेरी बेरी डिजीज जो है स्टूडेंट वो कौन कॉज करता है बताइए, दैट इज कौन कोज करता है बताना मुझे, दैट इज विटामिन B1, ठीक है जी, विटामिन B1 जिसको हम रतौंधी रोग भी कहते हैं, ठीक है, बहुत ही रेयर डिजीज है स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बहुत ऐसी कोई जर्नलाइज्ड डिजीज नहीं है कि सबको हो जाए, बहुत ही रेयर डिजीज होती है, ठीक है, ओके। 14 नंबर क्वेश्चन कीजिए, कहता है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन मिल्क, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिल्क में मिलता है जो मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, सो दैट इज़ अवर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दैट इज़ अवर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, हाँ जी। तो 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, कहता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यीस्ट थ्रू विच इथेनॉल इज कमर्शली प्रोड्यूस्ड। यू नो दैट कि हम इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग यीस्ट, तो यीस्ट क्या करता है स्टूडेंट, यीस्ट करता क्या है, मैं कल भी क्लास में पढ़ा रही थी स्टूडेंट्स को, तो यीस्ट करता क्या है मेनली क्या करता है, जाइमेस, उसके पास एक एंजाइम होता है स्टूडेंट दैट वी नेम एज जाइमेस। जाइमेस जो है वो क्या करता है शुगर को कन्वर्ट करता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस प्रोड्यूस करता है इथेनॉल, ठीक है। तो इसमें उसने स्पीसी पूछी है स्टूडेंट, ऐसा कौन सा यीस्ट का स्पीसी है जिसको हम कमर्शली यूज करते हैं फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ इथेनॉल कमर्शली, तो दैट इज सैक्रोमाइसिस, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कहता है व्हाट कॉजेज द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो, तो वही चीज़ है स्टूडेंट, डो को अगर आपको फूला बनाना हो, फ्लफी बनाना हो, जैसे हम ब्रेड राइट हमारे केक इतनी सब चीज़ें बनाते हैं जो हम राइट, तो उसको बनाने के लिए जो डो होता है ना उसमें आप क्या मिक्स करते हो, यीस्ट मिक्स करते हो, तो यीस्ट क्या करती है, जो डो का शुगर होता है उसको यूज़ करती है फॉर द मेकिंग ऑफ इथेनॉल प्लस CO2। अभी CO2 क्या है स्टूडेंट, गैस है, तो जब वो हमारे डो से, मान लो ये इतना डो है, जब CO2 गैस हमारे डो के पोर से बाहर निकलेगी तो उस डो को क्या कर देगी स्टूडेंट, फुला देगी,
उसको क्या करती जाएगी, फ्लफी करती जाएगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो गैस है ना स्टूडेंट, वो क्या करती है, हमारे डॉ को फ्लफ कर देती है। और जो हमारे ब्रेड के अंदर जो एक फ्लेवर आता है ना, एक फ्लेवर आता है हमारे ब्रेड के अंदर, राइट, ब्रेड और डो में फ़र्क होता है स्टूडेंट उसके फ्लेवर में। ठीक है, तो दैट इज़ ड्यू टू द इथेनॉल, दैट इज़ ड्यू टू द इथेनॉल। ओके जी, ठीक है, तो आगे मूव करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है व्हाट इज़ द यीस्ट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, यीस्ट को आप यूज़ करते हो इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट। तो किस में यूज़ करते हो भाई यीस्ट को, आप किस में बनाते हो? अभी मैंने आपसे करवाया बियर एंड ब्रेड। बियर क्या चीज़ होती है, वही राइट, बियर भी तो क्या एक फर्मेंटेशन है, तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से आप क्या बनाते हो, बियर बनाते हो। ठीक है, मतलब कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करवा के। ठीक है, ओके, 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है फिलिंग द ब्लैंक्स इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हो बाय यूजिंग हेटरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो उसको क्या कर देता है, पल्यूटेड वाटर को साफ करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, कहता नेम द क्रॉप डेवलप्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग इन, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाई करके कौन सी क्रॉप रेडी की हमने, बीटी कॉटन। ये सबको पता होता है स्टूडेंट, जेनेटिकल मॉडिफाइड। और इसमें जो हमने बैक्टीरिया यूज़ किया वो कौन सा यूज़ किया है, बैसिलस थ्यूरनजेनेसिस, बैसिलस थ्यूरनजेनेसिस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। ठीक है, बैसिलस थ्यूरनजेनेसिस हमने यूज़ किया स्टूडेंट, बीटी का फुल फॉर्म ही ये है, बैसिलस थ्यूरनजेनेसिस। ठीक है, ओके ओके, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट डज ए हाई बीओडी डिमांड, बीओडी का मतलब होता है स्टूडेंट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब होता है स्टूडेंट जब एक, मतलब फॉर एग्जांपल कोई कहीं पे बहुत ही पल्यूटेड पानी है, ठीक है, अब क्या होगा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे तो वो डिमांड करेंगे किसकी, ऑक्सीजन की, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करेंगे टू डीग्रेड द पॉल्यूशन, टू डीग्रेड दैट पॉल्यूटेंट्स। और जब ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी स्टूडेंट, तो जो पानी के अंदर बाकी जो स्पीसीज है, मान लो कोई प्लांट है, फिश है, उनके लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, येस और नो? तो जितना ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पानी के अंदर पॉल्यूशन होगा, उतना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिमांड करेंगे किसकी, ऑक्सीजन की। भाई आपको ऑक्सीजन ज़्यादा कब चाहिए होती है, जब आप रनिंग कर रहे होते हो, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट हाई पोल्यूशन रेट होगा जब वाटर के अंदर, तभी हमारी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इज दैट क्लियर, यस और नो? ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन पे चलो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट फॉर्म नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स, जितने भी हमारी दालों वाले प्लांट्स होते हैं उनमें बताओ आप मुझे कौन सा होता है, दैट इज राइजोबियम, यू नो दैट। ये आसान क्वेश्चन था। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म अमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं फिक्स करता है बच्चे, नॉट पूछा उसने, ठीक है। तो कहता है ऑसिलेटोरिया, एनाविना, नॉस्टिक, ये तीनों ही करते हैं स्टूडेंट नाइट्रोजन को फिक्स, नहीं करता है तो हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया नहीं करता, बाकी सब करते हैं, ठीक है। स्पायरो वगैरह हो गया वो भी करता है, ऑस्ट्रेलिया हो गया वो भी करता है, एनाबिना, नॉस्ट्रक, ये तीनों करते हैं। और इवन इस पे तो स्टूडेंट यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पुट किया था, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे कीजिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड वाया इन्फेक्शन ड्रॉपलेट, ठीक है, मतलब कि मान लो किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो रखा है, तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो कोई ऐसी डिजीज बताओ जो नहीं फैलती है, कैन नॉट पूछा उसने। तो रुबेला फैलता है, बिल्कुल फैलता है, कॉमन कोल्ड फैलता है, इन्फ्लुएंजा फैलता है, नन ऑफ द वब ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है, कोई ऐसी डिजीज है ही नहीं, सारी है, ओके। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, कहता है हाउ डज इबोला स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, इबोला समझते हो आप, जिसमें बड़े बड़े पाम हो जाते हैं, हाथी पाम डिजीज भी बोलते हैं उसको, आपकी लिम्स वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा, लोअर लिम्स जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट बताओ आप मुझे, तो
सो दैट इज सेपरेट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ब्लड और बॉडली फ्लूइड. ठीक है, आप मान लो किसी पर्सन को इबोला हो रखा है, उसके ब्लड से आपका कॉन्टैक्ट आ गया या बॉडी का कोई भी फ्लूइड आपके कॉन्टैक्ट में आ गया, तो आपको भी इबोला डिजीज हो सकती है. हाँ जी, 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ो. कहता है नीपा हेनिपे वायरस इज ए बॉर्न डिजीज. नीपा, नीपा वायरस पता है ना आपको? ठीक है, इंडिया में भी उसके केसेस देखने को मिले. तो दैट इज बैट, बैट बॉर्न डिजीज है स्टूडेंट ये. ठीक है, चमगादड़. 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ो. कहता है इफ ए डिजीज जंप्स फ्रॉम ए एनिमल टू ह्यूमन. अगर एनिमल से डिजीज ह्यूमन में जाए, एनिमल से ह्यूमन में जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जूनोटिक डिजीज. सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा खुद का पेंडेमिक. कौन सा? कोविड-19. ऐसा माना जाता है कि कोविड-19 बैट से फैला है चाइना के वुहान रीजन से. ठीक है जी, ओके ओके. हाँ जी, नेक्स्ट पढ़िए. कहता व्हाट इज द कॉज एजेंट ऑफ चिकनगुनिया. चिकनगुनिया का कॉज एजेंट कौन सा है? दैट इज अवर वायरस. चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब जो हैं, दैट इज ये सब वायरस से फैलते हैं. अच्छा, डेंगू इज कॉज्ड बाय, ये भी वायरस से फैलता है. ठीक है, नेक्स्ट है नेम द चिकन पॉक्स बैक्टीरिया. चिकन पॉक्स वायरस का नाम पूछा है आपसे, तो दैट इज, बताओ, कमेंट करना मुझे. तो दैट इज वेरिसला वायरस, दैट इज वेरिसला वायरस. हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन. फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है स्टूडेंट? दैट इज अवर हिपोक्रेट्स, दैट इज अवर हिपोक्रेट्स. ठीक है स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग थे ना क्वेश्चन? बहुत इंटरेस्टिंग थे, मज़ा आ गया है ना. आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा हो. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहाँ पे करती हूँ ओवर. ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.